आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है, यानी कि खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है। समय की कमी की वजह से लोग कामों में आजकल इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अपने खान पान पर भी वो ध्यान नहीं दे पाते। और आपको बता दें, खान पान का सीधा असर हमारी आँखों पर पड़ता है। दिन प्रतिदिन हमारी आँखों की रोशनी कम होती जा रही है और हमें चश्मे का सहारा लेना पड़ रहा है। तरह तरह की दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ रही है, तो आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी आंखों की रोशनी तेज़ हो सकती है और हो सकता है कि आप अपने चश्मे को भी बाय बाय कह दें। चलिए आपको बताते हैं ऐसे चमत्कारिक उपाय जो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करेंगे। बता दें आपको, अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको घी से भी फायदा मिल सकता है। बता दें, घी को सेहत के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा घी के नियमित सेवन से आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। घी के अलावा बादाम का तेल पीते हैं तो इससे भी आंखों की रोशनी तेज होती है। आप दूध में बादाम का तेल डालकर भी पी सकते हैं। मछली का तेल भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। बाजार में मछली के तेल की कैप्सूल्स मिलती हैं। आप रोज़ाना मछली के तेल की कैप्सूल खाएंगे तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। आपको ज़रूरी पोषक तत्व अपने आहार में ज़रूर शामिल करने हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन ई, ज़रूरी पोषक तत्व आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी आँखों की रोशनी कम है तो आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, संतरे, धनिया, कद्दू और गाजर का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। ये सारे पदार्थ हमारी आँखों के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसी के साथ आपको रोज़ाना हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए। जिन लोगों की आँखों की रोशनी कम है उन लोगों को डॉक्टर भी सुबह नंगे पैर घास पर चलने की सलाह देते हैं। इसीलिए अगर आप नियमित रूप से सुबह नंगे पैर हरी घास पर चलते हैं तो इससे यकीन मानिए आपकी आंखें ज़रूर ही स्वस्थ हो जाएंगी। अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपनाते हैं तो बहुत जल्द ही आपकी आंखों की रोशनी तेज़ हो सकती है और आप अपने चश्मे को बाय बाय कह सकते हैं। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आर्थिक रिपोर्ट।